रहमान रहीम, ऑन द डिमांड ऑफ अर्चना कुमारी, ये प्रॉब्लम कॉनिक्स की है, 2D से। फाइंड द इक्वेशन और चैप्टर इसका है पोलर इक्वेशन। फाइंड द प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू द कॉनिक एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1+e कॉस थीटा। ये हम लोग जानते हैं कॉनिक का इक्वेशन है, तो सबसे पहले लिख लेंगे द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉनिक। तो कॉनिक की जो गिवन इक्वेशन है उसमें एल सेमी लैटिस रेक्टम होता है, एल अपन आर इज इक्वल टू 1+e, ई उसकी एसेंसिसिटी होती है कॉस थीटा, और यहाँ पर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इस कॉनिक में हमने जो पोल होता है वो इसके फोकस को ही पोल मान के इस इक्वेशन को फाइंड किया जाता है। तो ये माना कि कॉनिक्स पे यहाँ दो पॉइंट्स हम यहाँ पर लेंगे, माना एक पॉइंट ये पी है जिस पर थीटा की वैल्यू मींस इसका इस पी पॉइंट का जो वेक्टोरियल एंगल है उसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। लेकिन और इसकी यहाँ से अगर डिस्टेंस माना कि एस से पोल से, ये पोल है पॉइंट जो इस कॉनिक का फोकस है, तो इसकी डिस्टेंस आर वन है और इसके कोऑर्डिनेट आर वन कामा ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मतलब ये जो कॉनिक की एक्स होती है उस एक्स के एक्सिस के साथ में, यानी इसको हमने अगर हमने इसको माना है इनिशियल लाइन माना है, तो इस इनिशियल लाइन के साथ में इस एस पी का जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो इस तरीके से इस पी का वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। हम इसी कॉनिक्स पर एक दूसरा पॉइंट जो उसके पास में है वो हम क्यू मान लेते हैं। इसकी अगर ये डिस्टेंस यानी रेडियस वेक्टर r2 है और इसका ये वाला जो एंगल है यानी इनिशियल लाइन के साथ में इस एस क्यू का एंगल, जिसे इस क्यू पॉइंट का वेक्टोरियल एंगल लेते हैं, तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट r2 कामा बीटा हो जाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों ही इस कॉनिक पर लाई करते हैं, तो इस कॉनिक के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को जब सेटिस्फाई कराएंगे तो फॉर पी पॉइंट के लिए जिसके आर वन अल्फ़ा वन यहाँ पर वेक्टोरियल सॉरी इसके कोऑर्डिनेट है पोलर कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के लिए इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर भी आर मिलेगा, वहाँ पर आर वन रख दिया जाएगा, और यहाँ पर भी मिलेगा थीटा, वहाँ पर अल्फ़ा रख दिया जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से हमें ध्यान रहे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट का पी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना जिसका वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा यानी वहाँ पर थीटा की वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल है। अब इस पॉइंट क्यू के लिए जो दूसरा पॉइंट है r2 कामा इसके बीटा इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पर r है वहाँ पर r2 रख देंगे और जहाँ पर थीटा है वहाँ पर यहाँ पर बीटा रख देंगे, और इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। तो दो इक्वेशन ये हमें और ये इस इक्वेशन नंबर 1 से मिल गए हैं। अब हम ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जो इन पी और क्यू से जाने वाली इक्वेशन है। पी ये तो कर्व है और ये पी और क्यू से जाने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन लिखेंगे, और ये इन चूँकि पी और क्यू ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं इस कॉनिक के, तो इसलिए ये पी और क्यू से जाने वाली जो लाइन ये कॉर्ड हो जाएगी, यानी कॉर्ड्स का इक्वेशन हम यहाँ पर लिखा लेंगे, यानी वो लाइन जो कि कॉर्ड से होकर जाए यानी पी और क्यू पॉइंट से होकर जाए, तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने पर कॉर्ड मिल जाएगी। इसी कॉर्ड का हम इक्वेशन लिख रहे हैं फिलहाल और उसको हम फाइंड करेंगे और उसके बाद हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाती है, लेट दी इक्वेशन यानी किसी भी लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बाद में हम इसको इस लाइन में जब कन्वर्ट करेंगे यानी पी क्यू लाइन में जो पी और क्यू को से होकर जाती है यानी कॉर्ड का इक्वेशन बनाएंगे, तो उसके लिए उसकी उसमें प्रॉपर्टी जब डालेंगे तब आएगा। फिलहाल अभी हमने ये लाइन का इक्वेशन लिखा है एल अपन आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस का
बी ये किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है, यहाँ पर थीटा और आर वेरिएबल हैं और एल और ए और बी कांस्टेंट हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनकी ए और बी की वैल्यू फाइंड करना होगी कि क्या होगी, क्योंकि ये कॉर्ड जिस तरीके से हमने इस जो पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन जैसे इक्वेशन नंबर फोर को बनाना है, तो ये पी पॉइंट से भी पास होती है और क्यू पॉइंट से भी पास होती है, तो हम इसको पास कराएंगे जैसे अभी कॉनिक को कराया था। तो ये सिंस लाइन फोर पासेस थ्रू पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट आर वन कामा अल्फ़ा है, तो ये इक्वेशन को फोर को सेटिस्फाई करेगा, यानी जहाँ पर भी हमें आर मिलेगा वहाँ पर तो आर वन रखना होगा, जहाँ पर थीटा मिलेगा वहाँ पर अल्फ़ा यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, इसे इक्वेशन नंबर फाइव बना लिया। जिस तरीके से ये लैंग्वेज लिखी है ऐसे यहाँ पर पी की जगह पर क्यू कर देंगे और आर टू अल्फ़ा, तो दूसरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा, यानी क्यू पॉइंट के लिए एल अपान आर टू इजिकल टू ए कॉस, उसमें पी पॉइंट का थीटा की वैल्यू बीटा के बराबर है और बी साइन बीटा हो जाएगा, तो इससे फिर हमें इक्वेशन सिक्स मिल जाएगा। तो हमारे पास अभी लास्ट के जो चार इक्वेशन हैं उनको हमें मिला के दो इक्वेशन बनाना होगी, यानी इक्वेशन नंबर हम लास्ट के मतलब फोर इक्वेशन को छोड़ दीजिए, यानी टू थ्री और फाइव सिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जो इनका इक्वल है, यानी इक्वेशन नंबर टू का देखें ये भी एल अपन आर वन है, इक्वेशन नंबर फाइव का भी एल अपन आर वन है, देखिए एल अपन आर वन है, तो दोनों के जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो उनके राइट हैंड साइड को भी हम इक्वेट कर देंगे, तो यानी हम अगले स्टेप में इक्वेशन नंबर टू और फाइव से दिख रहे हैं उनके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर फाइव का जो राइट हैंड साइड है ए कॉस अल्फ़ा, क्योंकि जब इक्वल के कोई चीज़ इक्वल होती है तो वो भी इक्वल होती है, तो उस बेस पर हमने इक्वेशन फाइव का राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर टू का राइट हैंड साइड आपस में इक्वेट करके रख दिया है। इससे हम चाहेंगे ए और बी की वैल्यू निकालना ताकि इसे और इसे एक नया इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर सेवन डाल दिया। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर थ्री को और सिक्स को देख लेंगे आप लोग, इसके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो इनके राइट हैंड साइड को भी हम इक्वेट कर रख दे रहे हैं, ए कॉस बीटा प्लस का बी साइन बीटा और ये वन प्लस का ई इंटू कॉस बीटा इक्वेशन नंबर थ्री का राइट हैंड साइड, तो एक नया इक्वेशन आठ हो गया। इन सेवन और एट से ए कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकाल के अगर हम इक्वेशन नंबर फोर में डाल देंगे तो ये उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा जो इन दोनों पी पॉइंट पी और क्यू पॉइंट से होकर जाती है, यानी कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद हम अपना जो गोल है यानी जो हम चाहते हैं कि इस पी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालें वो फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर फोर का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर सेवन और एट को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करना होगी। अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा पहले, तो बी को एलिमिनेट करने के लिए इनके कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए इस साइन बीटा का इक्वेशन नंबर वन सेवन में इंटू कर दें और साइन अल्फा का इस इक्वेशन नंबर एट में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, बी कैंसिल हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन नंबर हम सेवन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन बीटा से और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर एट को जब हम इसमें साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर साइन बीटा से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो ए इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस का बी इंटू साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पर भी साइन बीटा से इंटू करेंगे तो बंद में करेंगे साइन बीटा प्लस ई इंटू साइन बीटा का, यहाँ पर भी इंटू करेंगे इंटू कॉस अल्फा, पहले से यहाँ पर चल रहा है तो एक नया इक्वेशन ये आ गया। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर एट में जब हम साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस का बी इंटू साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा पूरे इक्वेशन में इंटू करेंगे यानी वन में इंटू करेंगे, तो साइन अल्फ़ा प्लस ई इंटू यहाँ पर कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेवन इक्वेशन ये आ गया और एट इक्वेशन इसमें बदल गया। अब इनको आपस में हमने बोला था कि माइनस करना है, तो माइनस करने पर
नीचे जो लिखे हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे और जो देख रहे हैं कि पॉजिटिव ये वाले निगेटिव हो गया, प्लस माइनस से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में ए कॉमन है तो ए को कॉमन लेते हुए पहले इसे लिखेंगे और माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा हो गया इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो साइन बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा और प्लस इसमें ये माइनस करना तो ई कॉमन लेते हुए उस टर्म को लिखेंगे माइनस ये हो जाएगी वैल्यू, यानी साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा वैल्यू हो गई है। अब हम यहाँ पर साइन ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी, यानी इस आइडेंटिटी को लगा देते हैं कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की जो वैल्यू होती है वो साइन ए माइनस बी के इक्वल होती है, तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों एक ही वैल्यू है यूज़ होगा, और इसमें यहाँ पर साइन सी और माइनस साइन डी वाले आइडेंटिटी का यूज़ होता है जिसकी वैल्यू होती है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पर यानी इस वाले में ये वाला फार्मूला लगाएंगे सेकंड वाला, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बेजिकल टू, और ये वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू और प्लस ई इंटू ये वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड में ले आते हैं तो ए की वैल्यू निकल आएगी जैसे कि हमें ज़रूरत थी ए की वैल्यू की, तो इसको भी डिवाइड करा जाएगा, ये अपान दोनों के अपान में जाएगा, दोनों टर्म के अपान में आ जाएगा टू कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा बाई टू इंटो साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू और होल अपान में हम ये ले के आ रहे हैं साइन बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस इस तरीके से इस टर्म को भी पूरा डिवाइड किया जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा और ये टोटल के अपान में आया था, दोनों के अपान में आएगा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, चूँकि ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और ई यहाँ पर बचेगा, और इसमें हम इस आइडेंटिटी को लगा देंगे कि साइन ए की जो या साइन थीटा की वैल्यू का फार्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस जगह पर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो ए की वैल्यू जिसकी हमें ज़रूरत थी उसमें आ चुकी है ये वैल्यू टू कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा अपान टू इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू, थोड़ा सिंप्लीफाई हम यहाँ पर कर रहे हैं इस वैल्यू को, लेकिन टू साइन इसकी वैल्यू हो जाएगी ये बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू और प्लस ये वैल्यू ई बची थी वो यहाँ पर नोट कर ली, देखने टू से टू कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे और इसी तरीके से ये हमारा साइन भी कैंसिल हो रहा है और जो बचा है उसको लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा बाई टू और वन अपान कॉस की वैल्यू सेक के बराबर होती है तो इसे हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया सेक बीटा बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू और प्लस ई, बाद में हमें इसे ई की ए की वैल्यू को वहाँ पर जाके लिखना होगा, इसे चाहते हो इक्वेशन नंबर वन डाल के छोड़ देते हैं। अब बी की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन नंबर सेवन और एट में हमें ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पर कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन में और एट में कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ए हट जाएगा और कट जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी, हम इक्वेशन नंबर सेवन में कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बीटा से और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर एट को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हुए, तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो इक्वेशन नंबर हमें पेज पलट के देखना होगा, तो ए इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा तो था ही कॉस बीटा और आ जाएगा और उसके साथ में था प्लस का बी इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड में वन में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बीटा से और प्लस में चल रहा था ई इंटू कॉस अल्फ़ा था और कॉस बीटा यहाँ पर और आ गया, इससे दे कॉस अल्फ़ा का इक्वेशन नंबर एट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हो जाएगा और प्लस का बी इंटू फिर इसमें साइन बीटा में यहाँ पर कॉस अल्फ़ा से इंटू हो जाएगा तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई वन में होगा और इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस बीटा
यहाँ पर मैं ये कॉस अल्फ़ा से मल्टी कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस इक्वेशन नंबर कॉस बीटा में, तो शायद ये पहला वाला कुछ गड़बड़ हो गया ऐसे लगता है, या नहीं हुआ सही है। तो ये कॉस अल्फ़ा और एक ही टर्म हो गए, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब इनको हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पर देख रहे हैं कि दो टर्म तो एक जैसा नज़र आ रहा है, ये दोनों पहला वाला पूरा पूरा कैंसिल हो गया और लास्ट वाला भी कैंसिल हो रहा है। इन दोनों में बी जो है वो कॉमन, बी कॉमन आ रहा है और बच रहा पहले में साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये बच रहा है राइट हैंड साइड में कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमें बी की ये फार्मूला देख रहे हैं कि इसमें फार्मूला एक बन रहा है और उसको हम पीछे लिख भी चुके हैं, हम दोबारा से लिख देते हैं। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन साइन बी, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन, शॉर्ट में हो जाएगी अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आई है तो उसमें हम लगा सकते हैं, उसमें भी एक आइडेंटिटी लगेगी जिसको अभी हमने नहीं लिखा, तो इस आइडेंटिटी को हमने लगाया यहाँ पर लेफ्ट में, और राइट में इस आइडेंटिटी को लगा अप्लाई करेंगे उसको यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, यानी कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी में दोनों साइन आते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू होता है। और लिखने का तो कई तरीके हैं, हम डी माइनस सी बाई टू लिखते हैं, कुछ लोग सी माइनस डी लिखते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना होता है, बाहर लेना होता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं ले रहे हैं बाहर। और इसमें इस वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे कॉस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा में, तो आ जाएगा टू साइन आएगा दोनों, और फिर हमें पहले में तो जोड़ना होता है बीटा प्लस अल्फ़ा बाई टू, और फिर इनटू में फिर दूसरे में घटाना होगा, लेकिन ऑर्डर बदल जाएगा, आएंगे दोनों साइन जैसे कि पहले बताया, तो अल्फ़ा में से बीटा को माइनस करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा। और हमें बीटा वैल्यू चाहिए है, ये तो बीच में फार्मूला है, इसे साइड से लिखें, और हमें बी तो ये अपान में पहुँच जाएगा बीटा की, सॉरी बीटा नहीं वी की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें वैल्यू फाइंड करना, तो वी की वैल्यू आ गई टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान टू, और इनटू में चल रहा था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, और होल अपान में ये वैल्यू पहुंची है साइन अल्फ़ा माइनस बी, जैसे कि हमने पहले साइन थीटा का हाफ, साइन थीटा का हाफ एंगल में वाला फार्मूला लगाया था, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ए की वैल्यू निकालने में ऐसे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में इसी फार्मूले को दोबारा से अप्लाई करना होगा और हम वैल्यू निकाल पाएंगे बी की। तो टू साइन जो वैल्यू है न्यूमरेटर में नोट कर रहे हैं बी बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, और इसमें जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो टू टाइम्स सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू और इंटू में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, देख रहे हैं कि टू से टू कैंसिल हो रहा है और साथ में ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, और इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे और सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यू है ये है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान टू, और ये जब ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में बदल जाएगी, तो सेक सेक अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा बाई टू। अब इन ए और बी की जो वैल्यू मिली है जिसे हमने इक्वेशन नंबर 9 और इसको हम 10 डाल दे रहे हैं, इन 9 और 10 से इक्वेशन नंबर 9 और 10 से ए और बी की जो वैल्यू हमको मिली है उसे उठा के इक्वेशन नंबर अगर हम 4 में रख देते हैं तो हमें कॉर्ड ए बी कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर, यानी लाइन के इक्वेशन रखने पर, तो इस लाइन का इस कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा, द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कॉर्ड पी क्यू। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में था एल अपान आर इज इक्वल टू एल अपान आर ए की वैल्यू जो थी वहाँ पर निकाली थी रख देंगे, तो ये थी कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई टू और इनटू में है सेक सेक बीटा माइनस अल्फा बाई टू और प्लस का ई है, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था कॉस थीटा से प्लस का बी है, बी की वैल्यू है फिर रखना, तो बी की वैल्यू ये लिखी हुई है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू और इनटू में चल रहा है सेक अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू और इनटू में जो है वो साइन थीटा है। और एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे दें हम लोग,
ये sec जो कि sec माइनस थीटा जो होता है वो sec थीटा के ही बराबर होता है, तो यहाँ से अगर माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये भी बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। इससे हम ये दोनों टर्म को में से sec बीटा माइनस अल्फा को कॉमन लेके एक साथ इन दोनों टर्म को लिख सकते हैं, और e को साइड से कॉस में जब मल्टीप्लाई होगा तो अलग करके लिख देंगे। यानी इस कॉस थीटा का इस ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में तो वो हम लिख रहे हैं, तो एल अपान आर लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में है से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस थीटा का बाहर से, तो कॉस थीटा को कॉस पहले जो लिखा हुआ बीटा प्लस अल्फा बाई टू और सेक बीटा माइनस अल्फा बाई टू, उसके बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा का, और फिर ई में मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा से, उसके बाद नेक्स्ट टर्म इस वाले टर्म को लिख रहे हैं जो कि है साइन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू है, और सेक इसको भी हमने बीटा माइनस अल्फा बाई टू जैसे ही बताया था लिख दिया उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इनटू में साइन थीटा है। और अब हम इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन जो मिल रहा है उसको हम कॉमन लेके लिखेंगे, तो एल अपन आर इज इक्वल टू मिल गया कॉमन सेक बीटा माइनस अल्फा बाई टू, तो हमारे पास ये पहले बिच मिल रहा है उसको लिख लेना है, यानी कॉस बीटा या अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं, प्लस का साइन है तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और इनटू है कॉस थीटा। फिर अगला ये टर्म बच रहा है उसको यहाँ पर लिखना है प्लस का साइन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इनटू में साइन थीटा है। इसके बाद हमारे पास ये जो टर्म लास्ट वाला लिख रहा है बच रहा है ई कॉस थीटा, उसको लिखते थे और यहाँ पर लिखते लिखते देखा कि एक फार्मूला भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है उसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है तो कॉस ए कॉस बी और प्लस का साइन ए साइन बी, तो इसका यूज़ करेंगे क्योंकि कॉस चलिए अगले स्टेप में बता देंगे ये, तो इसमें हम दोनों को मिला के एक कर देते हैं, तो एल अपान आर इज इक्वल टू हो जाएगा सेक बीटा माइनस अल्फा बाई टू, और ये वैल्यू जो होगी उसको हम कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान टू माइनस थीटा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लगा दिया, और प्लस का ई कॉस थीटा ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई है। इसमें थोड़ा सुधार ये कर लें कि थीटा को अगर पहले लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी माइनस साइन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले के माइनस को हटा सकते हैं, यहाँ पर ओनली कॉस थीटा जैसा लिख सकते हैं, तो एल अपन आर इज इक्वल टू सेक बीटा माइनस अल्फा बाई टू, कॉर्ड की इक्वेशन ये आ चुकी है, लेकिन हमें फाइन जो करना थी वो कॉर्ड की इक्वेशन नहीं फाइन करना थी, हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइन करना थी, ये वो कॉर्ड की इक्वेशन है सॉरी आई है जो दो पॉइंट्स से होकर जाती है, दो पॉइंट्स कॉर्ड जो जो कर जो हमारा कॉनिक है कॉनिक के दो पॉइंट से पी और क्यू से होकर जाती है, तो अगर हम इस लाइन को पी पर रखते हुए अगर पी को फिक्स मानते हुए यहाँ पर कील जैसा समझ लें गाड़ लिया और इसको घुमाएं ऐसे, तो जैसे जैसे इसको रोटेट कराएंगे वैसे वैसे ये क्यू पॉइंट जो है वो पी के और ज़्यादा करीब आता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब जब पी और क्यू एक ही हो जाएंगे, उस सिचुएशन में हम कहते हैं कर्व की ये टेंजेंट है जो एक ही पॉइंट पर कट करे तो टेंजेंट कहलाएगी, और वो इस पॉइंट पी पर जो वेक्टोरियल एंगल था थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर थी, तो अगर ये टेंजेंट के इक्वेशन को डिनोट करता है तो बीटा की वैल्यू अल्फा इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, तो इसमें हम रख रहे हैं एल अपन आर इज इक्वल टू सेक जिसमें बीटा की जगह पर भी अल्फा रख देंगे तो ये कॉस सेक जीरो बन जाएगा, और सेक जीरो की जो वैल्यू होती है वो हम लोग जानते हैं कितने के बराबर होती है, वो सेक जीरो की वैल्यू वन के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी अगले स्टेप में प्लस ई इंटू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू जब वन हो गई तो और ये वैल्यू टू अल्फा बाई टू करेंगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन ऑफ कहना चाहिए जो हमें फाइन करना था वो हमें मिल चुका है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो निकालना तो वो आज का आ गया है, इसको हम लिख रहे हैं एल अपान आर क्योंकि हमने बता दिया इसकी वैल्यू वन हो गई तो कॉस थीटा माइनस अल्फा बचा टू बाई टू से कैंसिल हो गया था प्लस ई इंटू कॉस थीटा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।